In this video, we are going to discuss about bibliography and references. कि bibliography और references क्या होते हैं, citation क्या होती है और citation की क्या importance है. Bibliography क्या होती है? A list of sources. It can be book, article, websites used to write an assignment. It can be thesis or essay. मतलब आप कोई piece of writing लिख रहे हैं तो उसमें आप different चीज़ों को cite करते हैं या use करते हैं अपने आइडिया को जनरेट करने के लिए या उसके बारे में लिखने के लिए, तो उसे बिब्लियोग्राफी कहते हैं. बिब्लियोग्राफी इज़ जनरली अ लिस्ट ऑफ ऑल द सोर्सेज यूज टू जनरेट आइडिया अबाउट द टॉपिक, कि जो सोर्सेज आपके राइटअप के लिए जो आइडिया जनरेट करने के लिए या उसको लिखने के लिए जो सोर्सेज को यूज़ किया है उन सबको बिब्लियोग्राफी कहा जाता है. यह आपको सिर्फ एक ओवरव्यू प्रोवाइड करता है कि किस ऑथर ने आपको इन्फ्लुएंस किया है इन ऑर्डर टू जनरेट योर आइडिया एंड आर्ग्यूमेंट्स. ज़रूरी नहीं है कि जो बिब्लियोग्राफी में वो चीज़ लिखी जाए जिसको आप साइट करें. सो लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस और बिब्लियोग्राफी में जो कोर डिफरेंस आता है वो ये होता है कि जो लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस होती है इट ओनली इंक्लूड दोज आइटम यू साइट इन योर राइटिंग, कि वो सारे आइटम जो आपने अपने राइटअप में साइट किए हैं, मतलब उनको आपने यूज़ किया है तो उस वजह से आप उनको अपने राइटिंग में साइट करते हैं. वेयर इज बिब्लियोग्राफी इंक्लूड ऑल द सोर्सेज कंसल्टेड इवन इफ दे नॉट डायरेक्टली साइटेड means or not directly cited or referred in the assignment or the writing. कि बिब्लियोग्राफी में सारे आइटम्स या references या sources आ जाते हैं जिनको आपने consult किया अपने idea को generate करने के लिए, अपने write-up को design करने के लिए. Whereas ज़रूरी नहीं है कि आप उस सोर्स को अपने राइटअप में साइट करें. वेयर इज़ जो लिस्ट ऑफ रेफरेंस है उसमें कोरली एक्सप्लिसिटली वही आइटम्स आते हैं जिनको टेक्स्ट में साइट किया गया है. सवाल आता है कि साइटेशन क्या होती है? तो साइटेशन होती है कि वो सारे सोर्सेज जो कि आपने अपने टेक्स्ट की बॉडी में शो किए हों, कि जहाँ से आपने आइडिया लिया है, वर्ड्स लिए हैं, कोई फिगर ली है, इमेज ली है किसी और जगह से और वो आपने अपने बॉडी टेक्स्ट की बॉडी में एम्बेड की है, तो उसे साइटेशन कहते हैं. साइटेशन जो है आर अ शॉर्ट वे टू यूनिकली आइडेंटिफाई अ पब्लिश्ड वर्क. किसी और के वर्क को अगर आप अपने वर्क में यूटिलाइज कर रहे हैं तो उसको आइडेंटिफाई करने को भी साइटेशन कहते हैं. इट्स अ वे ऑफ गिविंग क्रेडिट टू इंडिविजुअल फॉर देयर क्रिएटिव एंड इंटेलेक्चुअल वर्क that you utilize to support your research. It means कि आपने अपने टेक्स्ट में किसी सोर्स को साइट किया है, इसका मतलब आपने किसी और के इंटेलेक्चुअल या क्रिएटिव वर्क को यूटिलाइज किया है अपने काम को सब्सटेंशिएट करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, तो इस वजह से आप उस सोर्स को साइट करते हैं. तो ये होती है साइटेशन, मतलब रेफर करना. साइटेशन की इम्पॉर्टेंस क्या है, ज़रूरी क्यों ज़रूरी है कि हम साइट करें? सबसे पहले कि यह आपके एविडेंस को एक सपोर्ट देती है, आपकी असर्शन या क्लेम को सपोर्ट देती है कि आपने जो असर्शन लिखी है या जो आपने अपने राइटअप में फैक्ट मेंशन किया है तो इट इज़ समथिंग विच इज़ बीइंग विच इज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट और इट इज़ बीइंग रिसर्च्ड. इट्स नॉट जस्ट एनीथिंग जो आप अपनी तरफ से बना के प्रेजेंट कर रहे हैं. इट्स समथिंग दैट इज़ बीइंग ऑलरेडी प्रूव्ड और दैट इज़ बीइंग ऑलरेडी अप्रूव्ड. दूसरा कि आप दूसरे रिसर्चर्स के काम को या उनके आइडियाज़ को एक्नॉलेज कर रहे होते हैं, उनको क्रेडिट दे रहे होते हैं उनके वर्क का, मतलब आप उनको अप्रिशिएट कर रहे होते हैं. तीसरा, साइट करने का फ़ायदा ये है, ज़रूरत ये है और फ़ायदा ये है कि इससे आपका प्लेजरिज्म जो है वो ओवरकम किया जाता है. प्लेजरिज्म ओवरकम करने का तरीका भी ये है कि आप उस चीज़ को साइट कर दें कि आपने कहाँ से ये आइडिया को ग्रैब किया है. इसके अलावा आपके पास ये जो रीडर है उसको It allows the reader to track down the resources used in the writing, कि आपने जो दूसरे resources या sources use किए हैं, item use किए हैं in order to draft your writing, तो जो आपका reader है या जो audience of your write-up है they can access that specific source. तो इस वजह से citation की importance है. Hope you like the video. Kindly subscribe to my channel and recommend my channel to your friends. Thank you.